हमारी सोच जिस तरीके से हम सोचते हैं दैट्स एब्सोल्युटली राइट किसी मकसद के लिए सोचते हैं दैट्स आल्सो राइट बिकॉज आइडियोलॉजी का वर्डली मीनिंग यही बनता है इट रेफर्स टू थिंकिंग और पर्पस एक सोच या एक मकसद के लिए सोचना या एक तरह का नजरिया किसी चीज की तरफ किसी मकसद की तरफ किसी बात की तरफ दैट्स वॉट आइडियोलॉजी इज बट अगर हम लिटरल सेंस में लें सो देर आर थ्री डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी लेट्स गो थ्रू ऑल थ्री ऑफ देम उन तीनों को हम देखते हैं द फर्स्ट वन बींग द आइडिया स्केच दैट इमर्जेस इन माइंड टू ब्रिंग समथिंग इन टू एग्जिस्टेंस ऐसा आइडिया ऐसी सोच और ऐसा खाका जो आपके दिमाग में उभरे जब आप किसी चीज को बनाने का सोचें या किसी चीज को क्रिएट करने का सोचें दैट्स वॉट आइडियोलॉजी इज एन आउटलाइन ऑफ थॉट डिजाइंड टू अचीव अ पर्पज आप अपनी सोच के जरिए कुछ ऐसे जाविये बनाए कुछ ऐसे थॉट्स की ट्रेन बनाए कि अच्छा इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद हम इस तरह करेंगे तो हम अपना ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे अ प्लान एन आउटलाइन दैट वॉट एन आइडियोलॉजी इज द थर्ड वन मीक कलेक्टिव थिंकिंग ऑफ अ नेशन ऑन सिंगल एजेंडा ऑन अ स्पेसिफिक पर्पज एक कॉम होने के नाते इकट्ठे मिलकर एक कॉमन बात पर एक कॉमन एजेंडे पे एक कॉमन मकसद पर सोचना दैट्स ऑल्सो आइडियोलॉजी अगर आप देखें तो यह तीनों चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं यस एक्सलेंट इट इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान का जो नजरिया था एक मुल्क होने के नाते या एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन होने के लिए वो क्यों मकसद के तौर पे सामने आया कैसे इट केम मिन टू एग्जिस्टेंस कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया और कैसे हमें आज एक आजाद पाकिस्तान मिल चुका है बट इसके पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत थी कुर्बानियां थी कितने सारे लोगों की जदोजहद थी द स्ट्रगल दे फेस्ड फॉर दिस पाकिस्तान इन विच वी आर ब्रीदिंग टूडे इन सब चीजों को जानते हैं बाय लुकिंग एट द सोर्सेज सोर्सेज मतलब क्या वजूहात बनी जिनकी वजह पे ये नजरिया या ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई फॉर सेपरेट नेशन सबसे पहले तो कॉमन रिलिजन एक मजहब सब कॉन्टिनेंट में दे यूज टू मुस्लिम एंड हिंदूर बिफोर पार्टिशन ऑब्वियसली इवन बिफोर द ब्रिटिश राज अब उस वक्त था ये कि हिंदूज ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई ऐसी ट्राई करते रहते थे जिसमें अपना वो रिलिजन प्रोमोट करते थे सो ऑब्वियसली सिंस मुस्लिम मुस्लिम वेरी फ्यू इन नंबर एज कम्पेयर टू हिंदुजम द सब कॉन्टिनेंट तो उनको सबमोज कर दिया जाता था आर्या समाज ब्रहमा समाज ये वो चीज़ें थी ये वो आइडियोलॉजीज थी ये वो मूवमेंट्स थी जो स्टार्ट की गई थी टू प्रोमोट हिंदुजम कि वो हिंदुज्म को प्रमोट करें और आर्या समाज में तो एक ऐसा पॉइंट भी आया जहां उन्होंने फोर्सिबली नॉन हिंदूज को हिंदुआजम में कन्वर्ट किया एंड इट वॉज ऑल्सो मेड टू पॉइंट एट अ फैक्ट कि मुस्लिम्स को नीचे दिखाया जाए ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइक वी वुड से द द नेल इन वो तब बनी जब 1937 टू 1939 इलेक्शंस हुए थे हिंदू कांग्रेस या हिंदूज दे द मेजॉरिटी एंड दे टुक द लीड तब उन्होंने इस सब को दोबारा इम्पोज या इम्फोर्स कर दिया था जबरदस्ती सो एज यू कैन सी इन दिचुएशन मुसलमानों की अपनी ना कोई आइडेंटिटी वो बनने दे रहे थे और ना मुसलमानों को अपना इस्लाम प्रैक्टिस करने के लिए ऊपर आने के लिए मौका दे रहे थे सो so ऑब्वियसली जब आपको इतनी गुलामी वाली जिंदगी गुजारनी पड़े जहां आप इंडिपेंडेंटली अपना मजहब नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो इट बी डिफिकल्ट द सेकेंड वन इज कॉमन पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव कॉमन पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव एक ऐसा आजाद मुल्क जहां पे आप फ्रीली रह सकें आपको आपके बेसिक सिटीजन राइट्स मिले आप अपना मजहब प्रैक्टिस कर सकें अपनी बात आजादी से कह सके सो यस द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन इट सेल्फ ये इसीलिए जदोजहद कहलाती है आज़ादी के लिए क्योंकि इसके अंदर जबरदस्ती मेहनत करके लोगों का नजरिया माइंड बदला गया इट्स अबाउट चेंजिंग द माइंड लेकिन एक कंट्री या एक मुल्क की हकूमत जो है जो पोलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो so उसका भी कॉमन होना जैसे अब पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सो ये एक पोलिटिकल स्टांस है

मुस्लिम कॉमन इकोनॉमिक को यहम्ड फॉर दॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वारंडिपेंडेंस के लिए आजादी की उस जदोजहद के लिए जो अठारह सो सत्तावन में हुई थी उसमें ज्यादा किरदार मुसलमानों का था सो so, उसकी वजह से क्या हुआ कि मुसलमानों को ज्यादा रैथ या ज्यादा एंगर ज्यादा अप्रेशन ज्यादा गुलामी बर्दाश्त करनी पड़ी या ज्यादा रूड बिहेवियर बर्दाश्त करना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट का एज दे थॉट क्योंकि मुस्लिम फॉर इट देन कॉमन कल्चरल कॉमन कल्चरल कल्चर जिस माशरे में जिस सोसाइटी में आप रहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप अपने तरीके से नहीं रह पा रहे अपनी जबान नहीं बोल पा रहे उर्दू वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज बिफोर ब्रिटिश केम इन जब उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इन्फोर्स किया तो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज को भी के तौर करना शुरू कर दिया। जहां वो ये बात करते थे या को 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 उन्होंने उन्होंने कर दिया, ने ये ये देखा कि कि इस इस मौके हमें उठाना चाहिए। बात किया क्योंकि में लिखी जाती है, इस्लाम के ज्यादा करीब है तो इसलिए हिंदू क्योंकि वो देवनगरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए सो एट एवरी ऑल फाइव द मुस्लिम्स

जहां मुसलमानों को इतना सप्रेस किया जा रहा था इतना दबाया जा रहा था वहीं उन्होंने इकट्ठा होकर दे केम यूनाइटेड एक नजरिए के ऊपर एंड देन दे दे फॉट फॉट बैक बैक एंड इवेंचुअली दे गॉट देर ओन होमलैंड अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी नजरिए की अहमियत की सो जस्ट टेक लुक एट वॉट इज आइडियोलॉजी इन इट नजरिया खुद क्या है वो क्या स्ट्रेंथ देता है क्या इम्पैक्ट लेके आता है क्या असर करता है किस तरह लोगों की जिंदगी को असर करता है और किस तरह पूरी एक कॉम को असरअंदाज हो सकता है सो यस आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट्स पीपल थिंकिंग नज़रिया लोगों की सोच को रिफ्लेक्ट करता है को बताता है को कम्युनिकेट करता है इट मेक्स द नेशन फील अलाइव एंड यूनाइटेड नजरिया एक कौम को इकट्ठा करता है उनको यूनाइटेड होने का जज्बा देता है और उनको एक मकसद देता है Exactly like the ideology of Pakistan, because Islam is our basic religion. So this brought all the Muslims together, because this was the common factor in all the Muslims. It explains national duties and rights. Nazariya, national, kami responsibilities, Jo Hamari zi, or Jo Hamari duties, hai, wo bhi explain be explainedtha. It provides power to face difficulties to achieve aims. ideology. ये वो चीज है जो इस बात की ताकत भी देती है कि हम उन सारी डिफिकल्टीज को उस मुश्किल को फेस करें जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमने अपना एक एम रखा है उसको अचीव करने में उस तक पहुंचने में हमारी मदद करे मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद करे एंड इफ यू रिफर बैक टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सो एक सेपरेट होमलैंड उस वक्त एक ऑब्जेक्टिव था जिसको मुसलमानों ने अचीव किया इट गिव्स राइज टू रेवोल्यूशन ऑब्वियसली इट डज अभी जैसे मैंने बात की कि एक वीक क्लास को वो स्ट्रेंथ देता है तो मुसलमानों को वो स्ट्रेंथ मिली बिकॉज ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड द कल्चरल अराउंड वो सिचुएशन जो उनके इर्द गिर्द बदल गई उन्होंने उनको मजबूर किया और दैट ब्रॉट द रिवोल्यूशन ऑफ अ सेपरेट होम लैंड फॉर मुस्लिम इट क्रिएट स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल टू अचीव स्पिर एंड इंश्योर देर अचीवमेंट वो इस बात का जज्बा भी जगाती है कि ना सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करें अपनी मंजिल को पाएं बल्कि इस बात को पक्का और यकीनी भी बनाती है कि वो मंजिल तक हम पहुंचेंगे या वो मकसद पूरा होगा It created to eliminate deprivation in a society. अब आइडियोलॉजी या नजरिया बनता क्यों है वो बनता इस वजह से है कि जब किसी सोसाइटी किसी माशरे में एक महरूमी, डिप्रावेशन किसी चीज की महरूमी आए किसी चीज की कमी आए अब जैसे बरे सगीर के जो मुसलमान थे उनके लिए जो डिप्रेवेशन थी जो महरूमी थी वो ये थी कि उनको अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा था उनको कल्चरल फ्रीडम नहीं थी उनको स्पीच की फ्रीडम 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 नहीं 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 थी 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 उनको 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 रिलीजियस इकोनॉमिकल हर तरफ से उनको दबाया जा रहा था सो यस दीज सिचुएशन राइज टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिफिकल्ट डिफिकल्टिचुएशन एंड सोशल प्रेशर गिव राइज टू विजन एंड ट्रबल्ड पीपल बिकम द स्ट्रेंथ लाइक अर्लियर सेड कि मुश्किलात और सोशल प्रेशर जो आपके माशरे का दबाव आप पे आता है बिकॉज आपने ऑब्वियसली उसी में रहना है सो so अगर आपको रहने की आजादी नहीं बोलने की आज़ादी नहीं घूमने फिरने की आजादी नहीं तो फिर क्या होगा तो फिर एक रेवोल्यूशन आएगी एक चेंज आएगी जो इन केस ऑफ पाकिस्तान आई किस वजह से वन कॉमनलिटी के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क जहाँ वो इस्लाम पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकें अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें और उन उनपे कोई रोक टोक ना हो

बिल्कुल की और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई जो कि आज तक कायम है हिस्ट्री ट्रडिशंस कस्टम्स टेम्प्रोमेंट साइकोलॉजी एंड रिलीजन फॉर्म द बेसिस ऑफ एन आइडियोलॉजी एक नजरिए की जो बेसिस है ये जो चीजें नजरिए को डिक्टेट करती हैं वो है हिस्ट्री के पीछे कहानी क्या थी क्या हुआ वट वॉज द अर्लियर इरा ट्रेडिशंस क्या ट्रडिशन और कस्टम्स क्या चीजें फॉलो की जाती हैं टेम्प्रामेंट आपकी नेचर किस तरह की है क्या आप बहुत गसीले हो या आप तहमुल मिजा मिजाज हो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं साइकोलॉजी आपका थॉट प्रोसेस सोचते किस तरीके से हो एंड रिलीजन ऑब्वियसली आपका मज़हब क्या है ये वो चीज़ें हैं जो इस बात को रिक्रिएट करती हैं कि नज़रिया इन चीज़ों से मिल बनता है नाउ कमिंग टू आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक फ़िलासफी ऑफ लाइफ इज़ द फाउंडेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इस्लाम जो है वो बुनियाद है पाकिस्तान के नज़रिए So let's take a look at the definition for the ideology of Pakistan. There are three of them. I'm giving you one or baki do apni hai. Now this is your task and you have to do it today, That you have to find out the other two definitions for the ideology of Pakistan. So let's take a look at the first one. The ideology of Pakistan refers to the attainment of a separate land. Pakistan ka nazaria is ki ek alag zamin. In which Muslims of the can preserve Islamic values, बरे सीर के मुसलमान अपनी इस्लामिक वैल्यूज को बचा के संभाल के रख सके एंड आइडियल इन द लाइट होली कुरे पे इन द लाइट ऑफ होली कुरानी होली बुक है एंड सुनाजरत मोहम्मद की जिंदगी से जो भी वाकत और जो भी चीजें हमें हम तक पहुंच पहुंची हैं वो एंड स्पेंड दियर लाइव अंडर द ग्लोरियस प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम और हमारे दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी जाए सो so, ना सिर्फ हमने अपने मज़हब को प्रिजर्व करना है उसको संभाल के रखना है उसको स्प्रेड करना है बल्कि अपनी जिंदगी भी उसके अकॉर्डिंगली गुजारनी है Now, that is what the नजरिया ऑफ पाकिस्तान इज ये वो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की सो हेयर आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड विल डिस्कस मोर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज